अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बतूता वाइंस और मैं हूं मोहम्मद नवीद नवाज़। जैसे कि आज का हमारा व्लॉग है भोंग मस्जिद पर। भोंग मस्जिद ज़िला रहीमर ख़ान के तहसील सादकाबाद के कस्बा भोंग शरीफ में वाक़ है। इसका बहावलपुर से फ़ासला 240 किलोमीटर और रहीमर ख़ान से 55 किलोमीटर है। अपने मुनफरिद फ़न तामीर की हामिल ये मस्जिद दुनिया भर में इस कस्बे की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बतूता वाइंस। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री के बारे में, तो इस टाइम हम मौजूद हैं भोंग शरीफ और मस्जिद भोंग में हम मौजूद हैं। और ये 1932 में ये मस्जिद की तामीर शुरू हुई। 50 साल के अरसे के बाद ये 1982 में जाकर इसकी तामीर मुकम्मल हुई। में आगा खान आर्किटेक्चर का अवार्ड से नवाजा गया इसे, और माशाल्लाह इसकी फ़न तामीर तो बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम इस टाइम मौजूद हैं मदरसे में। मस्जिद की तामीर के लिए कीमती नवादरात तो कीमती पत्थर ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से मंगाए गए। जैसे कि काशिफ बता रहे थे कि ये भोंग मस्जिद है जो कि 1932 से 1982 की 50 साल ड्यूरेशन में पाए तकमील को पहुंची। किस्सा कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक मकामी ज़िम्मेदार थे, लैंडलॉर्ड थे, जिनका नाम था रईस गाज़ी मोहम्मद। उनके जहन में 1930 के अशरे में एक मस्जिद बनाने का ख्याल आया, तो 1930 में उन्होंने एक छोटी मस्जिद की तामीर की। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने एक हवेली का संगे बुनियाद रखा अपने रिहाइश के लिए। ज़ाती रिहाइश के लिए उन्होंने एक हवेली की तामीर का हुक्म दिया। जब हवेली की तामीर मुकम्मल हो गई, तकरीबन हो चुकी थी, तो उनके जहन में आया कि क्यों ना मैं एक अल्लाह का एक खूबसूरत प्यारा घर बनाऊं। तो 1932 में उन्होंने एक बड़ी मस्जिद का संगे बुनियाद भी साथ रख दिया उस हवेली के साथ ही। मस्जिद की तामीर चूँकि 50 साल के एक लंबे अरसे के दौरान पाए तकमील को पहुंची, तो इस दौरानिए में कई कारीगर उम्र सीधा हो गए और कई फौत भी हो गए। लेकिन बाद में उनके बेटों और फिर उनके पोतों ने उनकी जिम्मेदारियों को बतौर अहसन निभाया। तो
जी तो नाज़रीन ग्रामीण, मैं अभी आपको एक हवेली के बारे में बता रहा था कि रईस गाज़ी मोहम्मद ने एक हवेली की तामीर का हुक्म दिया। ये सामने जो आपको एक इमारत नज़र आ रही है, एक शानदार बुलंद वाला इमारत नज़र आ रही है, ये बेसिकली वही हवेली है जिसकी तामीर का उसने हुक्म दिया था। और साथ में आपको दो छोटे छोटे मीनार भी नज़र आ रहे हैं। ये भोंग शरीफ की पहली मस्जिद है जिसकी तामीर का रईस गाज़ी मोहम्मद ने हुक्म दिया था। अच्छा, इसके बारे में एक दिलचस्प वाक्य ये भी है कि जब मस्जिद जो अभी नई मस्जिद बनी थी और ये हवेली की तामीर मुकम्मल हो गई, तो ये मसला ये दरपेश आया कि जो हवेली थी उसका जो साइज़ था, उसकी जो बुलंदी थी, वो इस मस्जिद से थोड़ी ज़्यादा थी। तो उनके दिल में ये बात आई कि अल्लाह का घर मेरे घर से नीचा है। तो उन्होंने क्या किया, मस्जिद को असर नौ तामीर करने की ठान ली और उस मस्जिद को शहीद करके दोबारा से ये जो एक चबूतरे पर मौजूद मस्जिद है वो बनाई। मस्जिद हर तरह से खूबसूरती का एक नादिर नमूना है, चाहे इसका दाखिली दरवाज़ा हो, बुलंद चबूतरे की सीढ़ियां हों, या फिर बरामदों में मौजूद खूबसूरत फानूस और खूबसूरत पत्थरों से मुज़य्यन खताती हो। जी, एक मस्जिद, इस मस्जिद की तामीर के हवाले से एक और ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 1000 के करीब मज़दूरों ने हिस्सा लिया और 200 के करीब जो मेमार वगैरह थे या जो कैलीग्राफर थे वो शामिल हुए। मस्जिद की तामीर के लिए कोई बाकायदा नक्शा मुरतब नहीं किया गया। रईस गाज़ी मोहम्मद के जहन में अलबत्त एक खाका मौजूद था जो वो बताते जाते और कारीगर उसके मुताबिक तामीर करते जाते। मस्जिद की तामीर के लिए जो कैलीग्राफर आए थे वो कराची से आए थे, और जो मिस्त्री थे वो बीकानेर से आए थे, और जो मज़दूर थे वो मुल्तान और कराची से इधर तशरीफ़ लाए थे इस मस्जिद की तामीर करने के लिए। मस्जिद की दीवारों और छतों पर मौजूद नक्शो निगार बग़ैर किसी साइंसी आले की मदद से बनाए गए और इंसानी हाथों की महारत का मुँह बोलता सबूत हैं, जो देखने वालों को आज भी वर्ताए हैरत में डाल देते हैं। अच्छा, रईस गाज़ी मोहम्मद की शदीद ख्वाहिश के मुताबिक उनकी ये ख्वाहिश थी कि एक मस्जिद और मदरसा दोनों की बुनियादें साथ साथ रखी जाएं। तो ये जो मस्जिद अभी मौजूद है जो असर नौ तामीर की गई थी, उसके साथ ही एक मदरसे की इमारत मौजूद है। 1960 तक ये मदरसा मुकम्मल तौर पर फाल रहा और यहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दी जाती थी। लेकिन 1960 में जब जदीद तालीम का नफाज अमल में आया तब से ये मदरसा बंद हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुरान वगैरह की तालीम दी जाती है।
मस्जिद फन तामीर और फ़नून लतीफ़ा का एक खूबसूरत शाहकार है, क्योंकि इसकी जो तामीर है वो तकरीबन 50 साल अरसे में मुकम्मल हुई। तो इस दौर में मुख्तलिफ जो मेमार थे, मिस्त्री थे और कैलीग्राफर थे, वो वक्तन फवक्तन आते रहे। तो ये मुख्तलिफ जो तहजीबों का, मुख्तलिफ जो डिज़ाइनों का एक मुरक्कब वजूद में आया। मस्जिद की तामीर के साथ ही रईस गाजी मोहम्मद ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करना शुरू कर दिया। वो वहाँ जाते, उनकी मसाजिद को देखते और जो चीज़ उन्हें पसंद आ जाती वो वापस आकर इस मस्जिद में उसका इजाफा करवा देते। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि रईस गाजी मोहम्मद अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद की तकमील ना देख पाए और 1976 में उनका इंतकाल हो गया। और इस मस्जिद की जो तामीर थी वो मास्टर अब्दुल हमीद कम्बो की ज़ेर निगरानी रही। एक और खुशगवार लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि इस मस्जिद की दीवारों, छतों और ख़ास तौर पर मेहराब में मौजूद नक्शो नगार खालिस सोने और चांदी के औराक से मिलकर बने हुए हैं। पचास साल के दौरानिया में जितने भी खतात, कैलीग्राफर वगैरह या फिर जो मेमार थे वो मुख्तलिफ खितों से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस मस्जिद की तामीर में मुख्तलिफ खितों का जो रंग है वो नुमाया है। इस मस्जिद में बैक वक्त 2000 के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं और एक बड़े गुंबद के नीचे ख्वातीन के नमाज अदा करने की जगह भी मखसूस है, जो ख्वातीन की जुमा मस्जिद कहलाती है। इलाका है जिसे गाजी नगर या फिर भोंग शरीफ का नाम भी देते हैं, इसका नाम भोंग कैसे पड़ा? मकामी रिवायत के मुताबिक जो भोंग का लफ्ज़ है ये बलूची ज़ुबान का बिगड़ा हुआ लफ्ज़ भोंगुस है और भोंगो का मतलब घर होता है। तो ये इलाका तकरीबन 600 साल से औलिया अल्लाह की ही सरजमीन रहा है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो बुजुर्गान दीन हैं वो वक्तन फवक्तन आते रहे हैं। मस्जिद के तमाम दरवाजे हाथी दांत के बारीक और नफीस काम से मुजयन हैं। मस्जिद का हुस्न देखने वाली आंखों को अपने सहर में जकड़ लेता है और याद इलाही से दिलों को मुनव्वर करता है। कलहणों से झगड़े के बाद जब दाऊदपुरा खानदान के लोग उच्च शरीफ तशरीफ ले आए तो उनमें नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल, जिन्होंने 1727 में रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी, उन्होंने रहीमयार खान के इस इलाके पर अपना तसल्लुत कायम किया और तब से लेकर 1955 तक ये इलाका हमेशा से या मुस्तकिल तौर पर रियासत बहावलपुर का हिस्सा रहा है। तो
जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। आज की जो डॉक्यूमेंटेड वीडियो थी वो भोंग शरीफ के ऊपर थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी और इंशाल्लाह बतूतवान को सपोर्ट करते रहें, हमेशा साथ बने रहें। हम ऐसे ही आपको मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट कराते रहेंगे और जो मालूमात हमें मौसूल होंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको भोंग के बारे में बहुत सी ऐसी मालूमात मिलेगी जो आपको नहीं पता। बिल्कुल इंशाल्लाह। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, ये वैसे फॉर्मेलिटी के तौर पर कह रहा हूँ, अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें यार, वैसे और भी कर देना यार। हाँ प्लीज़ यार कर देना यार। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देखी है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए देखते रहिए बतूता माइंस और अल्लाह हाफिज़। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज पंजगाना की बरवक्त अदायगी की तौफीक अता फरमाए, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।